अब मैं आपको तालीमी निज़ाम दिखाता हूँ। आपने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बेहतर है, दूसरी तरफ देखिए हमारे पड़ोसी किस तरह पढ़ रहे हैं। दुनिया भर में साइंस इतनी ज्यादा आगे निकल चुकी है कि इसके बारे में जितनी बात की जाए। ये पता क्या रोबोट है? हाल ही में IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो बच्चों के स्कूलों में जाकर उनकी क्लासेस लेता है और पढ़ाई में उनकी मदद भी करता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज सेटल डाउन। ये टीचर है या रोबोट? आपने कभी जो है AI रोबोट टीचर नहीं देखा होगा। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंडिया ने बनाने वाला AI रोबोट टीचर। ये देखें सर, 5 फुट 7 इंच की रोबोट मैडम जब क्लास में पढ़ाती हैं, तो बच्चे भी पूरा ध्यान लगा कर पढ़ते हैं। कयामत बहुत नजदीक है। आए, हाए, 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 हाए। क्या बात है, कैसे बताओ, आपको कैसे पता? कश्मीर में जब औरतों के ऊपर हमला करते हैं, उनको इतनी शर्म नहीं आती कि वो औरतें हैं। अच्छा, औरत जात पे हमला करते हैं तब भी वो ये नहीं देखते। अच्छा। जब किसी माँ का बच्चे के ऊपर हमला करते हैं वो ये नहीं देखते बाद में उसकी माँ पे क्या बीतेगी। इतना जहर आपके, आप छोटे से बच्चे हो, छठी क्लास में आप पढ़ते हो, इतना जहर आपके दिमाग में किसने भरा, पहले मुझे ये बताओ। आ जाता है, जुल्म है ये, बहुत ये जुल्म है जी, बहुत ज्यादा जुल्म है। क्यों वीडियो देख रही है, इसमें जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। क्यों, इनको बचाने वाला कोई नहीं है? आपने ये कहा है कि इंडिया ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर बनाया, वो आप तकरीबन 5 साल बाद मजीद देखेंगे। हाँ। तो वो इससे भी ज्यादा तरक्की कर चुके होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। एक सीजन आता है उनका शार्क टैंक। हाँ। वो आपने नाम सुना है? हाँ। आप वहाँ पे उनके वो देख लेना, जो स्टार्टअप नए नए शुरू हो रहे हैं, आप 5 साल बाद देखना, वो इतनी तरक्की कर लेगा ना इंडिया, पाकिस्तान मुकाबला भी नहीं कर सकेगा। ये बस पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट मैच तक रह जाएगा। कह रहा है कि तालीमी निज़ाम भी अच्छा, करेंसी में भी आगे चले गए, इकोनॉमी में भी वो आगे चले गए। भाई हर मुल्क ही आगे, हम सिस्टम हम सबसे पीछे है। वैसे टीचर जो हैं, अब जितनी भी फीमेल टीचर हैं वो बेवफा होती हैं। अच्छा, तो पहले नंबर पे घास नहीं डालती, टीचर को छेड़ते हो। पहले नंबर पे स्टूडेंट को घास नहीं डालती, अगर घास डाल भी दिया तो बेवफाई आराम से कर लेती है, नहीं मेरी फैमिली है और मेरे बच्चे हैं ये वगैरह वगैरह। चलो ये बेवफाई तो नहीं ना करें। तो मतलब इसको छेड़ने का इरादा है यार, उसे हल्का हल्का इस तरह टच तो कर सकता है ना, इंसान की फीलिंग तो ले सकता है ना। स्टूडेंट तो गया बाहर में, मुझे स्टूडेंट से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जो मेरे अंदर फीलिंग है कि मुझे यही लगता है कि मुझे इसके सामने जाना चाहिए और देखना चाहिए। अच्छा। जो रह गए हैं कह लें CA के, जो भी सेमेस्टर रह गए वो इसी से करने चाहिए। यही बात है। क्या बात है कि ये वो इंडिया को हम अपने से नीचा देखना चाहते हैं, आगे नहीं देखना चाहते। देखिए इसके अंदर जो प्रोग्राम फील्ड कर ले जाएंगे, एक इंसान से बेहतर तरीके से ये समझा सकेगा। और सेम बात ये है कि जैसे ये पहले साल समझाएगा, उसे 10 साल बाद भी सेम सेटअप रहेगा। क्योंकि इंसान है, उसको चीजें भूल जाती हैं, उसमें नई चीजें ऐड होती रहती हैं, वो बच्चों के लिए टफ हो जाता है। इसमें जो प्रोग्राम एक दफा डाल दोगे वो आपको सेम एज इट इज चलता है। आपको दिखाने जा रहा हूँ एक AI टीचर रोबोट जो कि इंडिया ने मुतारिफ करवाया, वो बच्चों को जो है पढ़ाएगा स्कूल में, बल्कि लड़की मतलब फीमेल वर्जन ऑफ रोबोट। रोबोट टीचर ये बच्चों को पढ़ाएगा, पढ़ाएगी। हाँ यार, ये किस तरह हो सकता है यार, आउट क्लास। रोबोट टीचर बना दिया इंडिया ने भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो के बच्चों को जो है लेक्चर डिलीवर करेगी, उनको पढ़ाएगी। यार ये तो समझ लें कि एक देखने से और इस तरह देखने से कोई अजीब कह लें कि एक फीलिंग हो रही है, क्योंकि टीचर बाकी तो होता ही है ना। हाँ। लेकिन एक रोबोट में टीचर कन्वर्ट करना, यार ये तो कोई यूनिक ही आइडिया लग रहा है ना सर। कितना मजा आएगा स्टूडेंट्स को, कितना एंजॉय करेंगे वो जो है एक नए तरह से जो है पढ़कर। स्टूडेंट तो गया बाहर में, मुझे स्टूडेंट से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जो मेरे अंदर फीलिंग है कि मुझे यही लगता है कि मुझे इसके सामने जाना चाहिए और देखना चाहिए। अच्छा। जो रह गए हैं कह लें CA के, जो भी सेमेस्टर रह गए वो इसी से करने चाहिए। अच्छा। और यकीन कर लें मेरा दिल कर रहा है कि यार ये फीलिंग लेनी चाहिए कि रोबोट के कह लें से पढ़ना चाहते हो। पढ़ना चाहता हूँ यार, यकीन करो मैं दिल से कह रहा हूँ। ये इंडिया में है, इंडिया पाकिस्तान में भी नहीं लॉन्च हुआ। इंडिया में झूठ के साथ ये इंडिया ने बनाया है अपने स्कूल में जो है वो रोबोट्स, अब रोबोट जो है यूज करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। यार आउट क्लास, यार आउट क्लास, यकीन कर लें इसके आगे कुछ नहीं है। जिस तरह जिस लेवल पे अब इंडिया आगे जा रहा है ना, कोई नई से नई टेक्नोलॉजी कह लें कि ये इंडिया की, तो मैं कहता हूँ कोई तारीफ इसके आगे कुछ नहीं है ना। और जो ये बना दिया है ना, ये कह लें कि अगर मेरी पर्सनली दिल से जो अटैचमेंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि यकीन करें अगर मैं इंडिया में किसी भी कोने पे होता, कितना भी खर्चा करके मैं इसे देखना चाहता, देखना चाहता। अगर मेरे अब भी अगर हालात साथ दें तो मैं 2 मिनट ना लगाऊं तो मैं इसे देखूं इंडिया जाने के लिए, जाने के लिए। मैं यकीन कर लें, पढ़ना चाहते हो, जहरी सी बात है, और क्या, इसे देखना चाहिए, इसे फीलिंग लेनी चाहिए यार। ये किस तरह फीलिंग कैसी यार, एक बाकी तो टीचर देखिए ना, एक रोबोट टीचर। हाँ। तो जहरी सी बात है, वो भी फीमेल टीचर, वो भी फीमेल।
और साड़ी में आए हाँ। ये है वो जी एआई टीचर बिल्कुल लेडीज शक्ल की देखें। ये वो यार एक फिल्म आई थी रजनीकांत की रोबोट 2.0 शायद हाँ। वो उसमें इसी तरह के एक रोबोट बनाते हैं। तो मतलब कि यार देखें आपके पास एआई या टेक्नोलॉजी जो भी अगर आप उसका पॉजिटिव यूज करें तो वो बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है। जैसे इंडिया रिसेंट टाइम्स के अंदर करता रहा है, चाहे वो फार्मिंग में यूज कर लें, चाहे वो डिफेंस। ये भी सर इंडिया ने ही बनाया है। हाँ तो मैं वही देखे ना कि जैसे अब देखिए इसके अंदर जो प्रोग्राम फील्ड कर ले जाएंगे एक इंसान से बेहतर तरीके से ये समझा सकेगा। और सेम बात ये है कि जैसे ये पहले साल समझाएगा उसे 10 साल बाद भी सेम सेटअप रहेगा। बिल्कुल इंसान है उसको चीजें भूल जाती हैं, उसमें नई चीजें ऐड होती रहती हैं, वो बच्चों के लिए टफ हो जाता है। इसमें जो प्रोग्राम एक दफा डाल दोगे वो आपको सेम एज इट इज चलता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। क्या कहेंगे इंडिया के डेवलपमेंट पर अगर उसकी जो है टेक्नोलॉजी की बात करें, उसके बाद जो है बाकी हर एक चीज की बात करें तो टेक्नोलॉजी में इंडिया के एजुकेशन लेवल की वजह समझते हैं, जिसकी वजह से जो है वो नई नई चीजें जो नई नई डेवलपमेंट्स कर रहे हैं वो जो है देखें मतलब एआई रिपोर्ट्स बना रहे हैं, फार्मिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुला रहे हैं, हर एक चीज में आप जो है वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है चला रहे हैं। यार देखिए इसमें सबसे बड़ा हाथ उनको जो प्लेटफॉर्म मिलता है उसका है और उनकी गवर्नमेंट का है। देखिए वो स्टेबिलिटी देते हैं, वो कहते हैं कि यार आप अपना काम करो, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपकी लग पुलिंग कोई नहीं करेगा, हम आपको इवन के मजीद कंग्रेचुलेट करेंगे अगर आप इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव करते हैं और हम आपको बड़े प्लेटफॉर्म पर मौका देंगे। यही वजह है कि वहाँ के यंग जो यूथ जो है ना वो ट्राई करती है बार बार कि यार हम कुछ नया अच्छा करेंगे तो हमें ऊपर मौका दिया जाएगा। लेकिन जैसे ये एआई है जाहिर सी बात है अब ये कोई बहुत बड़े लोगों ने नहीं बनाया होगा, मतलब आम चंद लोगों ने बनाया होगा, इसको थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो देखिए इस तरह डे बाई डे करके इंडिया बहुत आगे जाए। हुक्मरान अच्छे हुक्मरान से कुछ नहीं होता आपके मुल्क ना, एक आप हमारा सियासतदान देख लें, हमारे हुक्मरान हमारे फौजी देख लें, नहीं कहना चाहिए लेकिन हमारे ऊपर जो तबके हैं ना वो खा रहे हैं मुल्क को, मजदूर तबका। इंडिया का सुना है कि रूल बना है कि गरीब बंदा जो मोटरसाइकिल है उनका तेल भी सस्ता है, किराया भी सस्ता, बिजली फ्री है 300 यूनिट, हाँ जी बिल फ्री है। यहाँ तो गरीब बंदा पिस रहा है, वो तो मर गया है गरीब बंदा, बिल 10,000 20,000 40,000 का बिल मैंने खुद भरा है, कहाँ से हम लाएं, कहाँ से कमाएं। एक बात बताएं, जब इतने बिल आएंगे बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, अगर कोई बाहर से कंट्री कोई कंपनी आती है कि कहती है पाकिस्तान में मैं इन्वेस्टमेंट करूं, यहां पर तो बिजली के बिल ही देके भाग जाएगी। क्या कहना चाहेंगे बाहर से क्या ऐसा चीजें करनी पड़ेंगी जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर आए? हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने ना जो एजुकेशन लेवल की हम बात करें मेन टॉपिक है उसको बढ़ाना पड़ेगी, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। हमारा क्या होता है टीचर मैट्रिक पास करती है टीचर लग जाती है, अब उसको उर्दू भी सही से नहीं आती, वो बेचारा बच्चा होता है उसकी बुनियाद अगर बेसिक पक्की हो ना बुनियाद तो ऊपर आपका जो इमारत होता है वो सही अच्छा कामयाब होता है। अब हमारी बुनियाद ही नहीं सही, उसको उर्दू भी नहीं सही था, पंजाबी मिक्स करके सिखा पढ़ा देते हैं, कहाँ कामयाब होगा। अब इंडिया को देख ले, इंडिया तो भाई बहुत आगे हमसे, कुछ नहीं कह सकते हम। बिल्कुल सही हो, उनके तो चले गए बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा आपने ये कहाँ देखा होगा उनके बच्चे इंग्लिश बोलते हैं? ओ भाई जी टीवियों में देखा है और कहाँ देखा है। हमारे बच्चे नहीं बोल सकते? हमारे बच्चों को तो 100 में से 10% बोलेंगे। हाँ जी तो क्या वजूहत है वो इंग्लिश कैसे बोलते हैं? वो उन्हें भाई शुरू से ही आदत है, पढ़े लिखे लोग हैं सारे, यहाँ जाहिल लोग हैं सारे। बिल्कुल सही हो गया सर, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं? मैं ठीक। नाम आपका? सिकंदर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ और पार्ट टाइम रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा जबरदस्त हो गया, क्या जॉब करते हैं जी? ये हेल्थ डिपार्टमेंट में। हेल्थ डिपार्टमेंट जॉब करते हैं। अच्छा तालीमी निज़ाम हमारे मुल्क का कैसा है, तालीमी निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? तालीमी निज़ाम यार कुछ ठीक भी है कुछ नहीं भी ठीक है। अच्छा अगर इस तालीमी निज़ाम का हम कंपैरिजन करें बांग्लादेश इंडिया के साथ तो क्या मुकाबला कर सकते हैं हम? बांग्लादेश का तो इतना आइडिया नहीं लेकिन इंडिया का मुझे उम्मीद है कि हमसे काफ़ी अच्छे ही हैं, क्योंकि वहाँ पर कई लोग इस तरह के हैं कि जिस तरह के कई सॉफ्टवेयर भी उन्होंने बनाए हैं और वहीं पर रहते हैं और उन्हीं की यूनिवर्सिटियों से कॉलेजों से पढ़े हुए हैं। दोस्तों इन दिनों एआई को लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में खूब चर्चा हो रही है। एआई ने कई सारी चीज़ों को आसान कर दिया है लेकिन इसी बीच एआई को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। केरल में पहली बार एआई रोबोट टीचर को बनाया गया है जो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। दोस्तों इसकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। इस एआई रोबोट टीचर का नाम आइरिस है। ये आइरिस पिछले महीने से केरल में मौजूद कैटी सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। इस स्कूल में करीब 3,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये रोबोट स्कूल में बच्चों के बीच बेहद पॉपुलर हो रही है। ये आइरिस नाम की महिला रोबोट साड़ी पहनती है। आइरिस में कई सारी खूबियाँ हैं जिसके कारण स्टूडेंट उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये एआई रोबोट 3 भाषाओं में बात कर सकती है।
वो बच्चों के हार्ड से हार्ड सवालों के जवाब आसानी से दे सकती है। जब दोस्तों इस AI टीचर रोबोट का वीडियो पाकिस्तानी लोगों ने देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए। आज खुद पाकिस्तानी ये मानने लगे हैं कि सच में भारत इस वक्त हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो दोस्तों आपको ये AI रोबोट टीचर कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।